सरप्राइज को देखने के लिए पहले देखने के पहले मुझे अपने हाथों को जो है सैनिटाइज करने होगा, क्योंकि वो सरप्राइज बहुत ही नाजुक है। मैं दिखाऊंगा, पहले मैं अपने हाथों को जो है सैनिटाइज कर लेता हूँ अच्छा से। ये मैंने बहुत अच्छा तरह से सैनिटाइज कर लिया अपने हाथों को। चलिए अब दिखाते उस सरप्राइज को, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सरप्राइज। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूं श्रीकांत, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बासना बर्ड सर्वे में करता हूं बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं मेरे बर्ड फार्म में, तो बर्ड लोगों का सीड्स का टाइम हो चुका है, इसीलिए मैंने अभी अपना सारा बर्ड को जो है सीड्स प्रोवाइड कर दिया है। तो अभी देखिए सारा बर्ड बहुत अच्छे तरह से सीड्स खा रहे हैं और बहुत खा भी लिए, बहुत देर से सीड्स मैंने इन लोगों को दे के रखा है और खा भी लिए, काफ़ी टाइम हो गया इन लोग का सीड्स दिया हुए। तो आज मैं आया हूँ आप सभी को मेरा एक बर्ड फार्म का जो प्रोग्रेस है वो शेयर करने के लिए। तो मैंने कुछ दिन से नोटिस कर रहा था, मेरा ये जो सनकुनियल का पेयर है, मैं दिखाऊंगा आप सभी को, ये जो सनकुनियल का पेयर है, ये पेयर, इस पेयर का जो मेल है ये बाहर बैठा हुआ, ये खाना खा रहा है, ये जो मेल है ये मैं नोटिस कर रहा लगभग 7-8 दिन से ये बाहर ऐसे बैठा हुआ और खाना खा रहा, फीडिंग कर रहा, और फीमेल जो है बॉक्स के अंदर ही रहती, निकलती भी नहीं है। तो मैंने अभी तक चेक नहीं किया, तो आज मैं चेक करूंगा आप सभी के साथ, क्या पता क्या दिख जाए, शायद अंडे दिखेंगे, क्योंकि 7-8 दिन हो गया, ज़्यादा तो नहीं हुआ। उसके पहले मैं देखता था दोनों फीडिंग कराता था एक दूसरे को, लेकिन अचानक से मैं 7-8 दिन से नोटिस कर रहा कि फीमेल जो है बॉक्स के अंदर ही बैठा रहता है, वो निकलता भी नहीं है। तो अभी चेक करेंगे कि इसने अंडा दिया है, कितना अंडा ले किया या क्या उसका प्रोग्रेस है, अभी चेक करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग सनकुनियल का बॉक्स अभी चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फीमेल जो 3 अंडे देके बैठी हुई है, वाह बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस है। तो चलिए अभी इन लोगों को ज्यादा और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसका जब चिक्स आएगा तो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये प्रोग्रेस देख के मुझे भी बहुत खुशी हुआ, पता नहीं आप लोगों का क्या लगा, लेकिन मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी हुआ। मतलब ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कुछ दिन पहले मैंने इस बॉक्स से 3 पीस जो सनकुनियल का चिक्स है उसको मैंने हैंड फीडिंग पर लिया था, और फिर कुछ दिन के बाद ही लगभग 15-20 दिन के बाद ही मुझे इस बॉक्स में फिर से सनकुनियल का जो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिख चुका है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कॉलोनी ब्रीडिंग से पर्सनल केज में ब्रीडिंग कराना बहुत ही मतलब सक्सेसफुल इसका रिजल्ट है, बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट है, वो तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कितना अच्छा रिजल्ट है। और मेरा बर्ड फ्लू भी देखिए, अब इनका पेरेंट्स को मैं दिखा देता हूँ कि कितना हेल्दी है सारे, बहुत अच्छे तरह से इन लोग फीड लेते हैं। और देखिए अभी दोपहर का टाइम, कितना अच्छा तरह से सारे केज में जो अच्छी तरह से धूप भी आ रहा है, अभी तो ठंडा का टाइम है लेकिन इसीलिए धूप आना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अभी देखिए सारे के सारे केज में जो है प्रॉपरली धूप आ रहा है बहुत अच्छी तरह से, इसके वजह से ये लोग बहुत अच्छे हेल्दी रहते हैं। और खाना पीना भी, डाइट वगैरह भी बहुत अच्छी तरह इन लोग खाते हैं, मतलब जो भी देता है प्लेट में पूरा साफ कर जाते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस भी इन लोग दे रहे हैं मुझे, और मुझे तो बहुत सेटिस्फाई हो रहा है इन लोगों से कि इतना अच्छा सनकुनियल का ब्रीडिंग प्रोग्रेस मुझे मिल रहा है, और आप लोगों को देख के खुशी होगा कितना अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस मेरे यहाँ पे हो रहा है। तो ये आप सभी का प्यार है, तो मुझे ऐसे आशीर्वाद करें, मेरे ऊपर प्यार बना रहे। और अगर किसी का सनकुनियल का या कुछ भी बर्ड का अगर ब्रीडिंग का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, शायद वो अंडे ले नहीं कर रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आप लोग मुझे उस बारे में जानकारी लेने के लिए आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज बासुना बर्ड सर्वे में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर मुझे कॉमेंट करके या मेरे साथ बात करके चैट करके मुझे जान सकते हैं कि उसका प्रॉब्लम क्या है, मैं वहाँ पर सॉल्यूशन आप सभी को। और एक खुशी की बात मैंने आज शेयर नहीं किया, वो मेरा घर पर मैं दिखाऊंगा, बहुत एक अच्छा सरप्राइज है मेरे लिए, मतलब आप सभी के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है मैं अभी चलिए घर में जाके दिखाता हूँ, सरप्राइज क्या है शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, मुझे तो बहुत खुशी हुआ क्योंकि मेरे पास वो अचीवमेंट आज मतलब पहला बार हुआ, मुझे मेरा वो एक्सपीरियंस पहले नहीं था, आज वो एक्सपीरियंस हुआ, आज नहीं 3 दिन पहले एक्सपीरियंस हो चुका है, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, चलिए मेरे घर पे उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए। मेरे बर्ड फार्म से मेरे घर पे आ चुके हैं, तो अभी उस सरप्राइज को देखने के लिए पहले देखने के पहले मुझे अपने हाथों को जो है सैनिटाइज करने होगा, क्योंकि वो सरप्राइज बहुत ही नाजुक है, मैं दिखाऊंगा, पहले मैं अपने हाथों को जो है सैनिटाइज कर लेता हूँ अच्छा से। ये मैंने बहुत अच्छा तरह से सैनिटाइज कर लिया अपने हाथों को। चलिए अब दिखाते उस सरप्राइज को, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है सरप्राइज। चलिए तो आप लोगों ने पहले मैं बता देता हूँ,
पहले मैं बता देता हूँ, तो आप लोगों ने मेरा बर्ड फार्म में मेरा लॉरी किट का जो मैं वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आया कि भैया आपके रैबिट के ऊपर भी वीडियो बनाओ, क्योंकि मेरा जो कॉकटेल का कॉलोनी है बिल्कुल ठीक उसके नीचे ही मेरा तीन रैबिट है, मेरा बर्ड फार्म में तीन मैंने रैबिट रखे थे, और उसमें से दो मेल थे और एक फीमेल थे, और 3 दिन पहले उसका तीन बेबी जो है बॉर्न हुआ है, तीन नया बेबी उसको बॉर्न हुआ है। तो मेरा पास तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत एक्साइटेड में हुआ जब मैं देखा, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है फ्रेंड, तो उस वहाँ पे बहुत काफ़ी ठंडी है, इसीलिए मैं उन लोगों को लेके घर पे आ चुका हूँ, उनका मदर को और उनका जो बेबी है मैंने घर पे लेके आ चुका हूँ, ताकि मैं इसको अच्छे तरह से ट्रीटमेंट कर पाऊँ और अच्छी तरह से ख्याल रख पाऊँ कि इनको बेबी को या सही तरह से फीड करा रहा है या नहीं। अगर नहीं फीड कराता तो मैं उनको पकड़ के, मदर को पकड़ के मैं तीनों बेबी को रख देता हूँ मदर के पास, वो लोग बहुत अच्छे तरह से फीड कर लेते हैं। तीन टाइम मैं ऐसे करके फीड कराता था, लेकिन 2 दिन से देख रहा हूँ मैं ये बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चे को जो है फीड करवा रहे, लेकिन मतलब पहले दिन जिस दिन डिलीवरी हुआ उस दिन तो ये अपने बच्चे को उतना अच्छी तरह से फीड नहीं कर रहा था, मतलब जो सबसे बड़ा बच्चा था वो बहुत अच्छी तरह से फीडिंग कर लेता, लेकिन उसके बाद जो छोटे छोटे बेबी थे वो बिल्कुल उतना अच्छी तरह से फीडिंग नहीं कर पाता था, इसीलिए मैं उनको पकड़ के एक दिन लगभग फीडिंग में अपने से करवाया कि मदर को मैंने पकड़ के रखा, फिर मैंने उसका जो बच्चा है उनको छोड़ दिया, फिर उन लोग बहुत अच्छे से फीडिंग करवा लिया। मैं तीन टाइम उन लोगों को पर डे फीडिंग कराता था, लेकिन अभी 2 दिन से मैंने उसको घर पे ला के रखा, तो देखता बहुत अच्छी तरह से उन लोगों को फीडिंग करा रहा था। तो और बात नहीं करके पहले मैं आप लोगों को बेबी दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा है, आइए देख लेते हैं। तो ये है उसका मदर, आपको दिख सकता है, ये है उसका मदर, ठीक है, और एक एक इस तरह का मैंने एक कार्टून उसको दिया है। अब इसको ओपन करते हैं, फिलहाल तो मेरे पास रेडी नहीं था, इनको प्लाई का एक बॉक्स देना अच्छा होता है, तो अभी दिखा देता हूँ। ओ वाओ, ये तो बहुत बड़े भी हो चुके हैं और वाइट फर भी अभी इन लोगों का आना स्टार्ट हो चुका है, देखिए फ्रेंड व्हाइट फर भी इन लोग का आना स्टार्ट हो चुका है, मतलब जो फादर था वो व्हाइट कलर का है, उसका मदर को देख सकते हैं आप, ये ब्राउनिश कलर का इसका मदर है और इसका जो फादर है वो फुल व्हाइट कलर का था, तो शायद तीनों बेबी व्हाइट कलर का ही होंगे। मैंने अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लिया, तो अभी एक एक को निकाल के आप सभी को दिखा देता हूँ। तीन बेबी हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम में रैबिट का तीन बेबी होता है, 3 से 4, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है। ओ वाव, अभी इनका देखिए पेट भी बहुत अच्छी तरह से भरा हुआ है, इनका मदर इनको बहुत अच्छी तरह से फीडिंग करवा रहा है, बहुत ही अच्छे तरह से, और ये सबसे बड़ा वाला है, देखिए फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा हो चुका है, अभी इनका आँख भी नहीं आया, शायद 7 दिन का पहले इनका आँख नहीं आता है। चलिए अभी यहाँ पे रख देते हैं इनको ढक के, जैसे इनका मदर इनको रखती थी। 2 बार चेक करता हूँ दिन भर में कि इनको फीड कराता है कि नहीं, तो ऐसे मैं जब चेक करता हूँ इसको ऐसे करके उनका मदर फीड करा के ऐसे करके ढक देती है, ताकि इन लोग को ठंड ना लगे, और इसका मदर भी बहुत अच्छी तरह से फीडिंग करती है, मतलब पहले इसका मदर दिन भर में 30 से 40 ग्राम फीडिंग करती थी, लेकिन अभी तो ये 60-70 ग्राम के ऊपर भी फीडिंग कर लेती है दिन भर में। और अभी तो इसका मतलब जो खाना देता हूँ मैं उनको, गेहूं का जो भूसी है वो मैं देता हूँ उन लोगों को, और जो हरा चारा होता है मतलब थोड़ा सूखा टाइप का घास होता है वो भी मैं देता हूँ, और जो गेहूँ का छिलका मैं इसको देता हूँ उसमें मैं थोड़ा सा कैल्शियम और मल्टीविटामिन ऐड करके देता हूँ, ताकि इसका जो मिल्क का क्वांटिटी है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाए, ताकि जो तीन बच्चा है उसको बहुत अच्छे तरह से पेट भर भर के इनको फीडिंग करा पाए। मिल्क का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा इनको इसमें कैल्शियम और मल्टीविटामिन भी ऐड कर देता हूँ, ताकि बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा रहे और मदर का बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो भी ठीक रहे, बॉडी वीक ना हो, इसीलिए थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन, थोड़ा सा कैल्शियम और थोड़ा सा लीवर टॉनिक भी मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी कुछ दिन, फिलहाल 7 दिन तो यूज़ करेंगे उसके बाद बंद कर देंगे, लेकिन अभी तो बहुत अच्छे तरह है सारे बेबी। शायद आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आज का वीडियो, और अगर पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल बासुना बर्ड सेवर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, और बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी दे दूंगा, तो आप मुझे वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।